ईमानदार थे। वहीं उनमें लड़ने की क्षमता थी अपने लोगों के लिए, वो अपने लोगों के लिए लड़ जाते थे, अपने लोगों के सम्मान के लिए झुकते नहीं थे। इसे जब हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें याद कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया और संघर्ष का रास्ता बना करके गए हैं, उनके परिवार के लोग, सहयोगी, साथी उसी रास्ते पे चल करके समाज को जोड़ने का काम करेंगे, समाज की तमाम बुराइयों से लड़ने का काम करेंगे। जो लड़ाई किसानों और गरीबों की चौधरी यशपाल जी ने शुरू की, वो उस लड़ाई को हम सब लोग अब कमजोर नहीं होने देंगे। मैं इसके साथ साथ जब जब इन्होंने गाना गाया, उत्साह भर दिया, जोश भर दिया। मैं अभी अध्यक्षता कर रहे पंडित आदरणीय सुकुमार शास्त्री जी को सुन रहा था। उन्होंने जहां आशीर्वाद दिया है, हम लोगों को जहां आशीर्वाद दिया है, वहीं हमें प्रार्थना कर रहा हूं मैं माँ दुर्गा की और माँ शाकुंभरी देवी के, इसी तरह का आपका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे। उन्होंने याद भी दिलाया कि हमारे हम लोगों के साथ कौन कौन आशीर्वाद दे रहा है। जब इन्होंने भगवान को याद किया, राधे कृष्ण का, सीता राम कहा, तो हमें याद आ गया, एक बार हमें पंडित जी हमें हवाई जहाज में मिले थे, और मैंने लखनऊ की प्रेस में भी ये कहा था कि एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है, और 350 सीटें जीत गया। मैंने पंडित जी से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि 350 का तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन एक हमारी तरफ से भी जोड़ दो। और जो आज आशीर्वाद दिया है आपने, आपने जो जोड़ियों का याद दिलाया है, हमारे लखनऊ वाले पे तो कोई जोड़ी नहीं। और कहीं वही बात है, हम ये नहीं कहते, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठे लोग, जब मैं देख रहा था कि ऋग्वेद की कुछ लाइनें जी मंच पर हैं, तो हमारे लोगों ने गीता को भी पढ़ा होगा, गुरु नानक जी को भी पढ़ा होगा। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रहकर माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, किसानों को गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया, वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी, संविधान को भी कुचल देंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, जब हम चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं, तो हमें समाज और देश को कैसे बनाना है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, वो हमारा पेट भरते हैं,
अन्नदाता हमारा पेट भरता है, हमें पहनने को कपड़े देता है, और उसको इस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा। क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों, आपको मवाली कहा जा रहा, इनका बस चले तो आतंकवादी कहने, आपको न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ा है। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये तीन कानून वापस नहीं होंगे, और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती है। किसान भाइयों बताओ, हमें और आपको तो वादा किया गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, हम जो पैदावार करेंगे उसकी आय दोगुनी होगी। पिछले चुनाव में एक वादा किया गया कि आय दोगुनी किसानों की होगी। आज हिसाब किताब लगाओ, यहां किसान भी हैं, उनके बेटे भी हैं, हिसाब किताब लगाओ, बताओ हिसाब किताब में हम लोग कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं हम लोग हिसाब किताब में, कौन सी चीज महंगी नहीं हो गई। अभी तो हमारे गन्ने का हिसाब नहीं मांगा है, गन्ने का बकाया है किसानों का। मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों को भुगतान हमने लाखों करोड़ रुपए कर दिया है, और गन्ना ना बोया करें क्योंकि डायबिटीज हो जाती है उससे। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो भुगतान तो बता रहे हैं कि इतना भुगतान हो गया, लेकिन हमारे गन्ने के किसान भाई जानते हैं कि अभी भी 4,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के गन्ने का बकाया है। खेतों में गन्ना खड़ा, पिछले साल का भुगतान नहीं, यहाँ धान नहीं होता, कम धान होता है, लेकिन जिस इलाके में गाड़ी से कुचला गया किसानों को, वो धान का इलाका है। धान की कीमत क्या सरकार ने तय की, 1,000 रुपया क्विंटल नहीं बेच पा रहा हमारा किसान, 1,000 रुपया भी नहीं बिक रहा किसान का, गन्ने का भुगतान नहीं, धान का कीमत नहीं। और सहारनपुर वाले जानते होंगे, बताओ पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया कि नहीं कर गया पार, 100 रुपए पार, ये सरकार रही तो पेट्रोल डीजल नीचे नहीं जाएगा, आसमान छू जाएगा। अभी तो 100 पहुंचाया है, थोड़े दिनों बाद 100 से ऊपर पहुंचा देंगे। हमारे बुजुर्ग इशारा कर रहे 2 उंगली से 200 पहुंचा देंगे। बताओ आए दोगुनी का वादा किया जिन्होंने, वो वाली बात बाद में होगी, अभी नहीं। आसमान छू रही महंगाई, कहां से शुरू हुआ था डीजल पेट्रोल, कहां पहुंचा दिया, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज कीमत कहां पहुंचा दी डीजल पेट्रोल की, यही हिसाब किताब नहीं। बताओ जो आप बाजार से कीटनाशक दवाइयां खरीद रहे हैं, डीएपी खरीदते हैं, खाद खरीद रहे हैं, और खाद जब नापोगे, जब तौलोगे, तो बताओ खाद में बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी, जब कीमत बढ़ा दी, जब कीमत बढ़ी है वही बोरी से कुछ निकाल लिया है। और अभी तो हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो और दवाइयां लेते हो उसकी कीमत नहीं नापी है। सरसों पैदा करने वाला किसान जानता है कि सरसों की कीमत नहीं मिल रही, और जब तेल खरीदते होगे सरसों का, तो बताओ महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया। यही बीजेपी वाले कहते हैं सरसों का तेल इसलिए महंगा हो गया है क्योंकि सरसों के तेल में हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना होगा, और नहीं सुना हो तो पत्रकार साथियों दोबारा लिख देना,
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने कहा, उसे पूछा क्या सरसों के तेल की कीमत क्यों बढ़ गई, तो बोले इसमें हम मिलावट नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा हो गया। बताओ बीजेपी वालों, तुम्हारा ये तर्क है? कह रहे थे कि हम अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देंगे, दिल्ली वाले कह रहे थे $5 trillion इकोनॉमी की, हम लोग तो गिनती नहीं कर सकते, हिसाब किताब नहीं लगा सकते $5 trillion की, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे ही नकल कर लेते हैं। अगर दिल्ली वाले $5 trillion इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश वाले हमारे कह रहे हैं कि हम भी $1 trillion इकोनॉमी पहुंचा रहे हैं। $1 trillion, और अभी तो बिजली का हिसाब नहीं मांगा हम लोगों ने। बताओ जनता हमारी बैठी है, किसान भाई हैं, बिजली के मीटर भी लग गए और मीटर भी तेज भागने लगा और बिल भी कितना देना पड़ रहा है बताओ आप। बिल, बिजली का बिल बढ़ा दिया, देना पड़ रहा है ज्यादा। अगर इन चीजों का हिसाब किताब लगाओ तो क्या किसान भाइयों ₹500 आपका सम्मान है? आप हिसाब किताब लगाओ इन चीजों का, क्या ₹500 महीना जो आपको मिल रहा है वो कोई सम्मान है आपका? ये सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव से पहले जब आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, ये गरीब किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में जब पैसा आ जाता तो हमारा किसान भाई सोचता है चलो कुछ तो आ गया, कुछ तो हमारी मदद हो गई। ये धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने पूरे साल का हिसाब किताब लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धोखा है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया। कैसे भूल जाओगे कोरोना, कैसे भूलोगे? बीमारी आई, लोगों ने अच्छा इंतजाम किया, सरकारें मदद करती नहीं गरीबों की, थी लाठी बीमारी और हमारी जनता को अनाज भी छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, ना दवाई दे पाए, ना अस्पताल में बेड दे पाए और ना ही ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाए। लोग अपने आप भागते रहे, कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा था, कोई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भाग रहा था, कोई लाइन लगा करके अस्पतालों में दवाई के लिए भाग रहा था। इस भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जाने चली गई, कोई परवाह सरकार ने नहीं की। और याद कीजिए वो तस्वीरें, आपने हमने सबने तस्वीरें देखी। हमारे देश का इतना अपमान कोई नहीं कर सकता था जितना भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पर किया। हमारे गरीब लोगों के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, और अगर कहीं दाह संस्कार हो भी रहा था, लोग जान न जाएं, उसको छिपाने के लिए टीन शेड लगाने का काम इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि हमारे गरीबों का भी सम्मान से दाह संस्कार ये सरकार नहीं करा पाई। और मां गंगा, जिसको हम और आप पवित्र मानते हैं, बताओ कितनी लाशें बह रही थी उसमें, चाहे वो गाजीपुर हो, बक्सर हो, बनारस के आसपास हो, इलाहाबाद हो, उन्नाव हो, कन्नौज हो, गंगा के किनारे लाशें बह रही थी। जब बीजेपी से पूछा कि लाशें कैसे बह रही हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बिहार से सब बह करके आ रही है। इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। कभी गंगा नहीं उल्टी बह सकती, ये यमुना का पानी जो ऊपर से बहता नीचे चला जाता है। बताओ कोई हमें बता दो बुजुर्ग, कोई चीज नीचे से ऊपर कैसे आ जाएगी? कभी कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तो बह सकती है लेकिन नीचे से ऊपर कैसे आएगी कोई चीज हमें बता दो। जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि लाशें कहां से आ गईं,
तो कहते हैं कि यूपी की लाशें नहीं है, ये सब बिहार से उल्टी बह करके आ गई। जो लोग लाश पर झूठ बोल सकते हैं, गरीब को अनाथ छोड़ सकते हैं, चुनाव आएगा तो न जाने क्या कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। इसलिए सहारनपुर के लोगों, हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं, ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होने जा रहा है, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है, देश की तकदीर का चुनाव है, नौजवानों तुम्हारे भविष्य का चुनाव है, किसान भाइयों आपका चुनाव है। इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए फैसले लिए हैं। याद करो वो नोटबंदी 2017 की, हम कहते कहते थक गए कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हम समाजवादी लोग कहते कहते थक गए, रुपया काला सफेद नहीं होता, कोई चीज सफेद और काली होती वो तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बताओ काला धन कहां खत्म हो गया, कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अरे गरीब भाइयों आपने तो देखा होगा कभी फंस गए होगे मोटरसाइकिल लेकर के, तो बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? अच्छी खासी 100 नंबर गाड़ी बनाई थी, 100 नंबर हमने पुलिस के लिए 100 नंबर बनाई थी, हमारे बाबा मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं, 100 का 112 कर दिया। बताओ 100 से 112 में कौन सी पुलिस बदल गई? ये हमारे पुलिस के लोग भी जानते हैं कि सरकार जाने वाली है, इसीलिए मुस्करा रहे हैं। और नहीं मानते हो अकेले में पूछ लेना, ये सब जानते हैं। 100 से 112 कर दिया। अभी मामला हुआ यहां पर, नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। सहारनपुर के लोगों, अगर कोई पत्रकार साथी यहां से जाए लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो जरूरी नहीं जिस नाम से मिल के आएगा वही नाम बचा रहेगा। अगर मुख्यमंत्री जी के पास गए तो नाम बदल देंगे। ये नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, इतिहास बदलने का नाम करते हैं लोग इतिहास। अभी आपने देखा होगा बगल में, बताओ बगल में देखा कि नहीं देखा? नाम बदल करके इतिहास मिटाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बता दो ये वीरों की धरती है, ये वो लोग हैं इन्होंने 1857 में इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों को हिलाने का काम किया था। कौन भूल जाएगा कोतवाल धन सिंह गुर्जर को, इन्होंने 1857 में अंग्रेजों को हिलाने का काम किया था। जो इतिहास बदलेगा, जो नाम बदलेगा, चुनाव आएगा तो उनकी सरकार बदल देगा, ये हमारे लोग हैं। इसलिए ये चुनाव का समय है। पिछली बार 4 जनवरी को तारीख आ गई थी चुनाव की, 4 जनवरी को, आज हम और आप लोग अक्टूबर में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी त्योहार चल रहा है, नवरात्र के दिन है, दशहरा, दिवाली, सब त्योहार मनाइए, और दिन नहीं बचे हैं, हिसाब किताब लगाओगे तो बहुत कम दिन बचे हैं। ये जो सरकार में बैठे हुए अन्याय कर रहे हैं उनके दिन बहुत कम है, और हमारा इतिहास हमारी गाथाएं बताती हैं, कहानियां बताती हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि कोई भी अहंकारी हुआ है वो बचा नहीं है, अहंकारी को जनता ने सबक सिखाने का काम। ये अहंकारी तो है कि हम FIR नहीं लिखेंगे, हम दोषियों को नहीं पकड़ेंगे, ये अहंकारी तो है। अब
आपने गाड़ी से कुचल दिया, एफआईआर निकला है। जब दल लड़े, समाजवादी लोग लड़े, हर जगह पर लड़े, गिरफ्तारी दी, पुलिस से टकरा गए, तब जाकर के देखो ये एफआईआर लिखी जा रही है, जेल भी ना पड़ा। बताओ गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी? अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सरूप मारेगा, सरूप मार करके पूछेगा, और पूछने के बाद फिर सरूप मारेगा, तब जाएगा, तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी? इसलिए साथियों, ये सरकार के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें और आपको सावधान रहना है। हमारे देश की पहचान है कि हम सब एक होकर के रहे हैं, हमारा समाज मिलजुल करके रहा है, दुनिया में जो हमारी पहचान है, सब धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, ये हमारी पहचान है। ये इसीलिए कभी जात पर कभी धर्म पर बात करते हैं, क्योंकि कारोबार और काम हमें जोड़ता है। कारोबार पर बात नहीं करेंगे, काम हमें जोड़ता है, हमें और आपको, अर्थव्यवस्था हमारी और आपको जोड़ती है, इसलिए कारोबार पे ये बात नहीं करेंगे, कारोबार पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समाज जुड़ करके रहता है कारोबार से। कोई खेती करता है, कोई बुनता है, कोई पहनता है, कोई सिलता है, कोई काटता है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है। ये कारोबार को ठप कर रहे हैं, एक एक करके सब चीजें बेच दे रहे हैं, बिकना शुरू हो गई चीजें, हवाई जहाज बिक गए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बिक गए। पहले हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अब ट्रेनें भी बिक रही हैं, और बाद में रेलवे स्टेशन भी बिक जाएंगे। सब चीजें बेच दे रहे हैं, सब चीजें, और जब सब चीजें बिक जाएंगी तो जो संविधान में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों का क्या होगा? क्या होगा अधिकारों का, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें मौका दिया, अधिकार दिए? ये चीजें जब बिक जाएंगी तो कोई नहीं हमें सम्मान देगा, कोई स्थान नहीं देगा। कोई सोच सकता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे, एयरपोर्ट बिक जाएंगे, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो सब बिक गया? ये तार बेच रहे हैं, बिजली के कारखाने बेच रहे हैं, सब बेचे दे रहे हैं। और जो इतिहास को जानते होंगे हमारे लोग, याद करना, अंग्रेज आए थे इस देश में, अंग्रेज कारोबार करने आए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो दो तीन चीजों का कारोबार करती थी, धीरे धीरे उन्होंने कारोबार बढ़ा लिया, और अंग्रेजों ने एक कानून पास किया इंग्लैंड में, और उस कानून से वो जो कंपनी थी जो कारोबार करने आई थी, व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सरकार बन गई। केवल एक कानून इंग्लैंड में पास हुआ, उससे कारोबार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और देखो भारतीय जनता पार्टी का खेल, एक एक कर करके सब प्राइवेट हाथों में बेच दे रहे हैं। हो सकता है एक दिन सरकारी कंपनी को बिक जाए, और ये सरकार भी आउटसोर्स करके चले जाए, कि हम नहीं चलाएंगे, आउटसोर्स होकर के सरकार चलेगी। सोचिए किस लिए लोगों ने अपनी जाने दी हैं। ये इलाका वो है जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक होकर के आजादी की लड़ाई लड़ी है। अगर तोपों से भी उड़ा दिया गया तो आजादी के दीवानों ने आजादी के लिए संघर्ष नहीं कम किया। यहाँ के नौजवान अपनी जान पर खेल गए, और उस समय देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ते रहे। ये वो धरती है, ये सब बेच रहे हैं, बेच देंगे, क्योंकि इन्हें केवल कोशिश चाहिए, सत्ता चाहिए। हम समाजवादी लोग गरीब और किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पहचान है गंगा जमुना तहजीब, यही यमुना नदी हमारे गांव से भी, हमारे शहर से भी निकल करके जाती है। ये जो आपकी यमुना नदी है, यही तो है यमुना नदी दिल्ली को छूते हुए। यहाँ तो साफ सुथरी है, यहाँ तो यमुना बहुत साफ है,
लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचती तो बताओ कितनी गंदी हो जाती है। गंदी होते होते चंबल से मिल जाती है हमारे शहर में जाकर के, और यही नदी है जो संगम में मिल जाती है। बताओ, नदियों को साफ करने का संकल्प लिया था, माँ गंगा को साफ करने का संकल्प लिया था, दिल्ली वालों को दिल्ली नहीं दिखाई दे रही और लखनऊ वालों को मथुरा नहीं दिखाई दे रही कि बताओ यमुना कितनी गंदी बह रही है। और जो हमारी मिर्जी मिली चुनी तहजीब है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, मिलकर के रहते हैं, उस तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, उस पहचान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम बधाई देंगे अपने किसानों को, क्या किसानों के आंदोलन से किसान एक हो गया, न वो हिंदू समझा न मुसलमान समझा, वो कह रहा हम किसान पहले हैं, उसके बाद तय कर लेंगे कि हम क्या हैं। एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं। बताओ, यही तो इलाका है जो चौधरी साहब को किसान के नाम से जानता है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी यशपाल जी, ये वो शहर है। देखते ही हमें याद आ जाता है कि हाँ, यही हमारे किसानों के नेता हैं, हमारी यही पहचान है, पहचान रही है क्षेत्र की। इसलिए आज हम आपसे, जब चौधरी यशपाल जी याद कर रहे हैं, हम सब मिलकर के याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहा हो उसके हाथ में रहेगी सरकार। सोचो कभी, जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहे हो, धुआं उड़ा करके सरकार चलाते हो, बताओ प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा, क्या कर रहे हो, कौन सा विकास किया है, क्या विकास किया है। यही देवन को होकर के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की सड़क समाजवादियों ने बनाई, चमचमाती सड़क है, फ्लाईओवर चिमचा तक चले जाओ, कौन सा सब स्टेशन बनाया है बताओ, बिजली केवल महंगी की है, बिजली महंगी की है इन्होंने। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली को इसलिए नहीं ध्यान देते हैं, बिजली पे इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनके प्लांटों के नाम नहीं कह सकते वो। हमारे पत्रकार साथी बहुत पूछते हैं हमसे, कभी कभी एक सवाल पूछते हैं कि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने पिताजी को वो इस नाम से बुलाते क्यों नहीं है, उसी पे हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली का कारखाने का कभी नाम लोगे कि नहीं लोगे। और हम आज भी कहते हैं यहाँ पर पत्रकार साथियों, कहकर के जा रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर एक बार कह दें तो पता नहीं क्यों नहीं कहते 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, हमें नहीं पता क्यों नहीं कहते हैं। जब कह नहीं पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे, जो कहेंगे वही तो करेंगे। इसलिए इनसे सावधान रहना है, इन लोगों से बोला, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे आप लोग, आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हमने सुना है कि बड़े मुख्यमंत्री हट रहे हैं, बगल में आपके बगल में तीसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, तीसरे मुख्यमंत्री हैं बगल में, उत्तराखंड पीछे होगा ना, बहुत दूरी नहीं है। हम तो कहेंगे उत्तराखंड का भला चाहते हो तो इन मुख्यमंत्री का ट्रांसफर नहीं कर दो, जिस प्रदेश से आए उसी प्रदेश में वापस भेज दो। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे आप लोग, आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हमने सुना है कि बड़े मुख्यमंत्री हट रहे हैं बगल में, आपके बगल में तीसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, तीसरे मुख्यमंत्री हैं बगल में, उत्तराखंड पीछे होगा ना, बहुत दूरी नहीं है। हम तो कहेंगे उत्तराखंड का भला चाहते हो तो इन मुख्यमंत्री का ट्रांसफर यहीं कर दो, जिस प्रदेश से आए उसी प्रदेश में वापस भेज दो। वो दूसरों को कह रहे हैं NRI, हम तो कह रहे हैं तीन बार हटे हैं मुख्यमंत्री, चौथे हमारे प्रदेश से ले लो। इसलिए साथियों सहारनपुर
में हम लोग लोकसभा चुनाव में भी आए थे और उस समय हम लोग को आपने आशीर्वाद दिया था। उस समय आशीर्वाद मिला था, आपके सालपुर आसपास सीटें जीत गए थे। वो लड़ाई बहुत बड़ी थी, बहुत अलग लड़ाई थी। हम लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे, सपा बसपा का अलायंस किया। हमें कोई भी जोखिम उठाना पड़ा होगा, कोई घाटा स्वीकार करना पड़ा होगा, हमने स्वीकार किया। लेकिन हम बीजेपी को रोकना चाहते थे और आज भी हम कह के जा रहे हैं, ये हमारी और आपकी और समाजवादियों की जिम्मेदारी है। पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस बीजेपी को रोकना है। अगर नहीं रोक पाए तो जैसे किसान को कुचल दिया, उसी तरीके से संविधान को ये लोग कुचल देंगे। अगर 2019 में रोक लेते किसान भाइयों, अगर 2019 में रोक लेते हम लोग, तो ये तीन काले कानून नहीं आते। ये तीन काले कानून इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जीत गए ये लोग, ये ज्यादा जीत गए उत्तर प्रदेश से। पहले भी सरकार यहीं से बनी इनकी, पिछली बार भी बनी इनकी, और हम तो एक ही जानते हैं नियम दुनिया का, जो जहां से आएगा वहीं से निकाला जाएगा। अगर यूपी से घुसे हैं बीजेपी के लोग तो यूपी से ही निकाले जाएंगे। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, बिजली के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे थे और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर उनका हमला रहा।